हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पावर। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक होने वाला है आप लोगों का क्लास 12 से रिलेटेड, जो आप लोगों का अभी एग्जामिनेशन चल रहा है एसे 1 से रिलेटेड, ठीक है, समेटिव असेसमेंट 1 से रिलेटेड। और हम लोग का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिस पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का आज के डेट में हुआ था, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और देखिएगा, ये इंग्लिश जो है आप लोगों का कोर से रिलेटेड है, ठीक है, जो इंग्लिश कोर, जो कि आप लोगों का आर्ट्स में, फिर साइंस में और फिर कॉमर्स में, तीनों में आप लोग सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश कोर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश कोर से रिलेटेड आज हम लोग का क्लास 12 का ये टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, दैट इज़ रिलेटेड टू पैसेज के आधार पर जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जैसे द टू बॉयज गोपाल एंड गोविंद हैड स्पेंट मोस्ट ऑफ द डे इन द बोट, बट व्हेन इट ग्रीव कोल्ड दे डिसाइडेड टू गो होम। गोपाल और गोविंद नाम के जो दो लड़के थे, ये अधिकांश समय जो है अपना कहाँ गुजारते थे, बोट में, और काफ़ी ठंडा लगने लगा तो ये लोग घर जाने का डिसाइड किए। और उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े वगैरह समेटे, सब डाले, रोल्ड अप देयर टॉवल्स, गमछा वगैरह सब लिए और अपने साइकिल पर निकल पड़े, ठीक है। तो गोपाल का जो साइकिल था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, किसके मुकाबले, गोविंद के मुकाबले, ठीक है। तो उसे क्या होता है, व्हेन इट हिट ए स्टोन, वो एक पत्थर से जाके टकरा गया रोड पर, और उससे क्या हुआ, उसका जो अगला चक्का था वो कोलैप्स्ड हो गया, मतलब गिर गया, टूट गया धड़ाम से। और गोपाल वॉज थ्रोन टू द रोड, और वो एकदम रोड पर गिर गया, उसी से रिलेटेड, ठीक है। गोविंद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, तब सामने में देखा कोई टेलीफोन बॉक्स था, वहाँ से उसने फ़ोन किया किसको, एम्बुलेंस को, और फिर वो वापस गोपाल के पास गया जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड गोपाल एंड गोविंद डिसाइडेड टू गो होम, ठीक है। गोपाल और गोविंद जो है दोनों क्यों डिसाइड किए घर जाने का, तो बिकॉज इट वॉज कोल्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज इन बोट, हमने बताया था नाव पर। हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट, इसका थर्ड का हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट, बाइसाइकिल हिट ए स्टोन, सही बात है, बाइसाइकिल वॉज ओल्ड, ये भी सही है, व्हील कोलैप्स्ड, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड टू गोपाल, गोपाल के साथ क्या हुआ, तो ब्रोकन हिज लेग, अपना पैर तोड़वा लिया। 5, द सिनोनिम ऑफ फॉल इन फ्रॉम द पैसेज इज कोलैप्स्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन नोट मेकिंग नोट शुड बी डैश फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, राइट आंसर बी, 6 का ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेटर टू द एडिटर्स आर रिटन टू, एडिटोरियल लेटर किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए होता है, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, कौन सा इस इनमें से जो है वो एक कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का, तो आर्टिकल में हेडिंग और टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट 9, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल का यूज़ किया जाता है आप लोगों का नोट राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट 10, इन नोटिस व्हाट इज रिटन एट द टॉप, रिटन एट द टॉप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। 11, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल किसके लिए नहीं है, तो लॉ बुक्स के लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखिए, फिर पैसेज आ गया, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस, ऐसा करके, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर बी। 13, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, द पोएट ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, हर मदर, ठीक है। 15, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ओके। 16, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ्ड बिकॉज सी वॉज
डोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट 17, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वॉज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, तो गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन ए वंडर। नेक्स्ट 18, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी। 19, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्कीप स्कूल टू डू कलेक्ट बर्ड्स एग्स। ठीक है, वो फ्रेंच जो है वो बचने खोज रहा था, स्कूल से भागने खोज रहा था, क्या चीज़ के लिए, चिड़िया का अंडा इकट्ठा करने के लिए। 20, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल ए साइकाइट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, ऑप्शन नंबर बी। 21, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड टिशानी दोषी क्रॉस, 9 टाइम जोन्स। ठीक है, वट काइंड ऑफ एटमोसफियर डज अंटार्क्टिका हैव, कोल्डेस्ट सही है, ड्राइएस्ट ये भी सही है, विंडीएस्ट ये भी सही है, यानी राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट 23, वट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, न्यू नोटबुक्स। ठीक है, 24, द फ्रेल वोमेन इन मुकेशेस हाउस इज हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ। 25, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, द विलेज पीपल। ठीक है, नेक्स्ट 26, वट वॉज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, ऑप्शन नंबर सी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, कोट्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 29, फॉर द लास्ट टू ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम्स फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, 29 हो गया। 30, इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज डियर सर मैडम। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, ऑप्शन नंबर बी। 32, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन नंबर डी। 33, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स, तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेज दीज वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। 34, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी। 34 हो गया ना, हाँ। 35, द लास्ट द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है आप लोगों का, जैसे किसी चीज़ को, किसी कार्य को आपको करने की इच्छा नहीं है और आपको बहुत अनमने ढंग से उसे कर रहे हो, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, आनाकानी कर रहे हो, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, 35, 36, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, 50। 37, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी। ठीक है, हाउ 38 का नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हाउ ओल्ड वॉज प्रिंस वेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, प्रिंस की उम्र कितनी थी जब उसने एस्ट्रोलॉजर को मजाक उड़ाया, मेयर 10 डेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल राइटिंग, सैल्यूटेशन आर्टिकल राइटिंग में नहीं होता है, डेट भी नहीं होता है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40, हु इंसिस्ट्स ऑन बींग हिज ओन मास्टर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बींग हिज ओन मास्टर्स। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन में भी ये काम आएंगे और इसका आंसर। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल में आप लोगों को 12th क्लास के लॉन्ग सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों से यदि वो मिस हो गया होगा तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन आंसर्स का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडोबी स्पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।